आज बनाए मैंने पहाड़ों की स्पेशल डिश राजमा चावल। सुनालिता मोहितलारन कुकड़ी मड ने आज हमें मक्कियों की मिठाई करनी। अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, कुरकुरे और ठंडा पी रहे हैं। ताका मन अक्षर डांस खाते लरी डांस करने। राम राम, आदाब, कैसे अब सब? मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ दुकान की छत से। हमें आज इधर काम मक्कियाँ निकालनी है। देखो, मक्कियों में से ये बीज निकालने, इसको हमारी भाषा में बोलते हैं कुकड़ी, और इसको बोलते हैं कुकड़ी मडनी। तो ये हम बीज निकालेंगे इससे। मैंने चाय भी बना ली, तब मैं ये लेके जा रही हूँ बाहर में, देती हूँ बच्चों को। ये देखो, इधर में लगे हम काम करने। इनको बोलते हैं हम शूटरूत, इनको केखू की मदद से कर रहे हैं साइड में। ये साथ में रखा है बूफर, इसमें गाने भी चल रहे हैं। आज देखो कैसा मौसम है, बहुत अच्छी धूप है, मौसम बिल्कुल साफ है, बादलों का तो कहीं नाम भी नहीं है। ये इतने सारे शूटरों हमने अलग कर दिए, और ये है मक्की। ये भर रहे हम बोरी में, फिर इसको मारेंगे तो दाने दूर नहीं जाते हैं, बहुत इजी हो गया है। क्योंकि मक्खियाँ कम होती हैं तो ऐसे ही अच्छा लगता है और इजी भी होता है। ये देखो, ये बांध ली ऊपर से, तब इसको अच्छे से बांधेंगे कि निकलना नहीं चाहिए। अब इसको मारेंगे, ये इजी काम हो गया है। ये देख, वैसे ये मीनाक्षी मार रही है इसको। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इससे दाने दूर नहीं जाते हैं, इसी में रहते हैं बोरी में और आराम से निकल जाते हैं। बच्चों के साथ काम करना अच्छा लगता है, लड़ते भी हैं, शोर भी करते हैं और काम भी निकल जाता है। ये देख लो, अब दोनों मार रहे हैं और लगाना नहीं एक दूसरे को। यहाँ पे मैंने ना रियल आवाज़ बंद कर दी क्योंकि बूफर चल रहा और ये शोर भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बच्चे काम तो करते हैं लेकिन शोर भी बहुत करते हैं। हमारे घर में मोए सबसे छोटा है और सबसे लंबा भी है, ये अपने पापा से भी लंबा हो गया है। ये देखो कर रहा है डांस, इधर बुपुर चल रहा है तो डांस भी कर रहा है, काम भी करते हैं और शरारतें भी करते हैं, और मुझे बोलता है मामा मुझे वीडियो में नहीं लाना। ये मोहित ने बोरी भर दी, पहले ऐसी वाली बोरियां होती थी, अभी तो ये बहुत कम मिलती हैं। इसमें इजी होता है, ये फटती नहीं है, और दूसरी वाली बोरियां ना जल्दी फट जाती है और गिरेगा ऊपर से। आ जाओ मीनाक्षी, आ जाओ मामा, जल्दी जल्दी करें। ये देख लो, इतने से हमने कर दिए और ये निकाल रहे हैं शूटरू। ये मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगता है शूटरू निकालना, लेकिन ये अच्छे है, मक्खियाँ बहुत सूखी हैं तो जल्दी निकल रहा है। आज बच्चे घर में थे तो बहुत सारा काम निकाल दिया, नहीं तो यह सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता। ये देखो इतनी सी निकाल दी है हमने। बहुत सारी मक्खियाँ बच्चों ने निकाल दी हैं, तो अभी बोल रहे हैं कि हमें ठंडा पीना है, तो मैंने लाया उनके लिए ठंडा, तो वो पी रहे हैं। इधर मैं दिखाती हूँ आपको, पीते भी हैं और लड़ाई भी करते हैं। बच्चे बहुत काम करते हैं लेकिन लड़ते भी हैं, मस्ती भी करते हैं। ये देख लो, खाया पिया और अभी कर रहे हैं मस्ती, बस खेल रहे हैं। कभी कभी मिलते हैं ये एक साथ में, तो नहीं तो अकेले अकेले होते हैं। आज मिले तो ये देखो,
ये देख लो मोहित ने उठाया इसको, ये देखो इनकी मस्ती। ओए लग जाएगी, लगाना ना एक दूसरे को। ये देखो इनकी शरारतें, काम भी करते और शरारतें भी करते। ये देखो आगे पहाड़ों में बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं देता, पूरी धुंध है, धुआं है, लोगों ने जंगलों में आग भी लगाई है और ऐसी भी बारिश नहीं हो रही है तो इसकी वजह से धुंध ही धुंध दिखाई देती है। देखो आगे ये तीनों गए थे शॉप पे, कोई आया था शॉप पे तो उसको सामान भी दिया। और ये देखो लड़ते लड़ते आ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आज ये बहुत खुश है, काम भी करते हैं लेकिन मस्ती भी करते हैं। ये देखो इतनी सारी मक्खियाँ बच्चों ने निकाल दी हैं, बस अब थोड़ी सी बची है, इस साल तो उतनी निकली नहीं है, थोड़ी सी हैं लेकिन तब भी काम तो होता ही है। आठ हो गई, दस आएंगी इसमें। हो गई दस, दस है ना। ये देखो बच्चों ने सारा काम ख़त्म कर दिया, ये है साइड में शूटरू और ये मक्खियाँ इधर बोरियों में भर दी। ये है राजमा की दाल, ये मैंने भिगो के रखी है, अब मैं इसको चढ़ा दूँगी। ये दाल बनके भी तैयार हो गई है, अब मैं देती हूँ बच्चों को खाना, आज उनको खाना भी बाहर ही पहुँचा के देना पड़ेगा। ये चावल भी बन गए हैं, आज मैंने खाने में बनाई है पहाड़ों की स्पेशल डिश राजमा चावल, हमारे बच्चों को ये बहुत पसंद है। अभी बजे हैं रात के 8, हमने खाना भी खा लिया, मैंने भी दवाई खा ली, आज बच्चे बहुत थक गए हैं तो अभी सो जाते हैं। आप में से जिसको भी वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, कल मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।